नाजायज औलाद को पैदा किया है, इसको ऐसे अच्छा बयान है, अच्छा अच्छा बयान नहीं है, गलत इस्तेमाल किया है, झूठा से ऐसा बेटा कैसे पैदा कर लिया हरामी पैदा किया है भयंकर बापू हरामी है, हरामी है और इससे बढ़कर देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। इसका बाप जो है मनीष कश्यप ने एक वीडियो को सर्कुलेट किया था, इसके लिए एनएसए लगाया है। ये चुतियावा का बयान सुने हैं, क्या कहा है? तो बहुत ज्यादा खराब बात बोला है, इतना खराब बोला जिसको जूता से मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्या इस पर एनएसए लगाएगा? अरे कर बापू एनएसए लगाएगा, देश का माहौल खराब कर रहा है, भारत रहेगा, मेरा भारत जिंदाबाद है, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा, कोई नहीं रोक सकता है। सबसे पहले इस ससुरा को, इस ससुराल बाप बेटा को जलाने दीजिए, वह नाजायज औलाद है, इसको जो देख रहे हैं, या इसका अपना औलाद होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। अगर हम इसको ईमानदार तब समझेंगे जब ये अपने बेटे पे एनएसए लगाएगा। और एक युवक है हाथ में एमके स्टालिन के बेटा उदय निधि स्टालिन का आप पोस्टर लेके खड़ा है, काहे ला समर्थन में? पता है ये चेहरा को पहले, सबसे पहले आप देखिए यह चेहरा जो है इसका नाजायज औलाद है, देखिए अच्छा इसका देखिए अच्छा, इसको तो पहचान रहे हैं, यही लगाया था, यही लगाया था, अब इसका तो नाजायज औलाद है। अगर इसका अपना औलाद होता ना, दोगला औलाद है, बिल्कुल दोगला से भी बड़का, अच्छा इसका अपना औलाद होता, अरे खेल मंत्री है ससुरा, बैल बुद्धि है, इसको तो खुद पता नहीं है कि क्या बोलना है। पपुआ के कैटेगरी का है क्या? पपुआ नहीं, बिहार में भी एगो बार का बैल बुद्धि है, सेम वही कैटेगरी का, अच्छा इसको समझदारी नहीं है, पागल हो गया है। अच्छा और पता है ऐसा ऐसा आदमी को, फोकस कीजिएगा कैमरामैन, ऐसे मारेंगे। अरे चुतिया तू कहता है कि हिंदू सनातन धर्म को समाप्त कर देना है, डेंगू मलेरिया कोरोना है, देखो सनातन धर्म वाले क्या करते हैं, अगर उनके धर्मों पे सवाल उठाओगे तो देखो जूता से किसको भी मारेंगे। और यह है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो नर्बाप है, नाजायज औलाद को पैदा किया है, इसको ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री का जूता, अगर मुख्यमंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो, किसी की औकात नहीं है कि हमारे धर्म को टारगेट करना, हिंदू धर्म को सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करने वाले को, उसको जूता से क्या, उसको बीच चौराहे पे जूता का माला पहनाना चाहिए, जूता का माला पहनाया जाएगा। तो यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो राज नेता है, जो एक पार्टी बना है इंडिया, वो पार्टी के लोग तो इसका समर्थन कर रहे हैं। अरे तो पता है ना, भारत में इंडिया पार्टी बनाया गया है, उनमें 26 की सत्ता इस दल को सम्मिलित किया गया है। दूल्हा कौन है पता नहीं, उसमें देखिए उसमें तभी भी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है पता नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार को तो मुंबई वाले मीटिंग में जगह मिला नहीं, वो तो चले है बिहार। अब देखिए दूल्हा खोजा जा रहा है लेकिन दूल्हा मिल नहीं रहा है, बाराती सज धज के तैयार है, एक बात देख रहा है, चौथवा को जानते हैं, कहा है क्या पता है कि हिंदू धर्म डेंगू मलेरिया कोरोना है, इसको विरोध नहीं इसका जोर से समाप्त करना है। या चुतिया को आप लोगों से विनती है कि आप लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे एक पोस्ट डायल शेयर कीजिए चुतिया के नाम, ये चुतिया ने जो शब्द का प्रयोग किया है, हिंदू धर्म से माफी मांगे और नहीं तो इसको जूता का माला पहना करके पूरे भारत में इसका बापुआ इस पर एनएसए लगाएगा। अरे कर बापुआ एनएसए लगाएगा, देश का माहौल खराब कर रहा है, देश देश की बात कर रहे हैं, पूरे विश्व में सनातन रहता है, पूरे सनातनी के कहीं ना कहीं माहौल खराब को ठेस पहुंचाया है, और इससे बढ़कर देशद्रोही कोई नहीं हो सकता है। इसका बाप जो है मनीष कश्यप ने एक वीडियो को सर्कुलेट किया था, इसके लिए एनएसए लगाया है, इसका बेटा पूरे विश्व में भौकाल मचा दिया है एक बयान दे करके, पूरे हिंदू मंत्रियों का बयान आया है हिंदू तो कहा है, सुन लो हिंदुओं कान खोल के, इसका जो मंत्री है स्टालिन का, उसने कहा है कि जो हिंदू धर्म सनातन धर्म है ना वो एड्स है, उससे भी बड़का है, फिर भी हिंदुओं को सनातनियों को अभी भी पता नहीं है, देखे होंगे, अरे पूछिए, घुमाइए चारों तरफ, घुमाइए घुमाइए, पता नहीं है, पता नहीं है क्या है, पता है चाचा आपको? हाँ पता है, इसका बयान सुने हैं, ये चुतियावा का बयान सुने हैं, क्या कहा है? तो बहुत ज्यादा खराब बात बोला है, इतना खराब बोला जिसको जूता से मारने में भी कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है, कुछ भी करने में कोई, इसका बाप मुख्यमंत्री है कोरोना दीदी, उसको क्या कहिएगा? वो तो और भटियारा है, भटियारा है ना, ऐसा बेटा पैदा कर दिया, अरे नाजायज, वह नाजायज औलाद है, गलत खुद है तब उसका बेटा ना गलत है, बोलिए, वह नाजायज औलाद है, इसको जो देख रहे हैं, या इसका अपना औलाद होता तो इस तरह का बयान नहीं देता। अगर हम इसको ईमानदार तब समझेंगे जब ये अपने बेटे पे एनएसए लगाएगा, क्या भाई ये अपने बेटे पे एनएसए लगाएगा तब ये ईमानदार है?
क्या सही है? सही बात, सही बात है इनका, सही बात है। अच्छा ये आपके कुछ नहीं लगना चाहिए, कुछ नहीं किया था मनीष का साहब, आपको पता है ना। हाँ, इसका बेटा तो कह रहा है कि डेंगू मलेरिया हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के लिए कह रहा हम सिंधु डेली सुनते हैं। अच्छा बयान है, अच्छा अच्छा बयान नहीं है, गलत गलत इस्तेमाल किया है। इसको झूठा से मार, झूठा से मार, मारिए मारिए। देख लीजिए लोगों में किस प्रकार का गुस्सा है, चाहता हूँ ये हम किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करते हैं। अगर कोई मेरे धर्म के खिलाफ जाएगा, मेरे धर्म को गाली देगा, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। अगर मैं तुम्हारे धर्म को गाली नहीं दे रहा हूँ तो तुम्हारी औकात हिम्मत नहीं है कि मेरे धर्म को टारगेट करोगे। अच्छा इसके बाप को क्या कहिएगा, ऐसा बेटा कैसे पैदा कर लिया हूँ? हरामी पैदा किया है, भयंकर बापू हरामी है, हरामी है ना, जानते हैं उसको, भयंकर नदी को। हाँ मैं एनएसए लगा के, हाँ जब देख लीजिए, देख लीजिए।